नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम को हम क्यों चुने, क्यों हम ये पाथ चुने, और व्हाई बी विद योर ट्विन फ्लेम बेसिकली। और ये सवाल तो मुझे खुद अजीब लगता है, क्योंकि एक्चुअली में सवाल ही होना चाहिए कि व्हाई नॉट। बट मैं फिर भी इसके पॉजिटिव्स शेयर करूँगी, क्योंकि इसके है ही पॉजिटिव्स, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। सो आई विल अटेम्प्ट टू स्टार्ट विद ही हु इज़ योर ट्विन फ्लेम बेसिकली। आपका ट्विन फ्लेम आप कौन है? आपके लिए वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं जब आप अपनी तलाश कर रहे होते हो, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर ट्रू सेल्फ। तो कहीं ना कहीं आपने भगवान से ये प्रार्थना करी होती है कि भगवान, आप ही मुझे दिखाओ कौन मेरा सही सच्चा जीवन साथी है, या आप ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं आप ही को चुनती हूँ या चुनता हूँ। तो इस दौरान एक एनर्जी शुरू हो जाती है, एक एनर्जी ट्रांसमिट होती है यूनिवर्स में, जो इट्स लाइक अ फुरमान कि आपने ऑर्डर कर दिया यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए, एंड दैट गेट्स ट्रांसलेटेड एज योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज आपका ट्विन फ्लेम ही आपका अल्टीमेट बेस्ट फ्रेंड, अल्टीमेट टीचर, अल्टीमेट पार्टनर एंड योर पाथ टू असेंशन। आपका रूहानी रिश्ता भगवान का है, आपका ट्विन फ्लेम। तो आप कहीं ना कहीं अगर भगवान को खोज रहे हैं, तो भी आपके ट्विन फ्लेम के रूप में आपके सामने ये जर्नी शुरू हो जाएगी। तो आई एम ऑल्सो रिफ्रेनिंग फ्रॉम द फैक्ट कि आपका ट्विन फ्लेम भगवान नहीं है, भगवान ही भगवान है। आपको अपने ट्विन फ्लेम को और अपने आप को एक जैसा ट्रीट करना है। आप और आपके ट्विन फ्लेम इक्वल हैं, कोई ऊपर ज़्यादा नहीं, कोई कम नहीं, कोई पहले अवेकन नहीं हुआ है या कोई बाद में अवेकन नहीं होता है। अवेकनिंग जो है उसका मतलब क्या है? जागरूक होना का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है या फिजिकल असेंशन के सिम्टम्स हैं, नहीं, उसको अवेकनिंग नहीं कहते। अवेकनिंग का मतलब ये है कि मेरे अंदर से फियर चला गया, फियर की जगह भगवान है, उसको कहते हैं अवेकनिंग। जहाँ भगवान का सूरज चढ़ गया हो उसको अवेकनिंग कहते हैं। तो जहाँ जहाँ आपकी कॉन्शियसनेस में, आपके अंतःकरण में, जहाँ जहाँ आपने भगवान को इनवाइट किया है, भगवान से मतलब भगवान की जो सूरज की किरण है आपके अंदर है, जागरूक है कि हाँ, यहाँ तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, यहाँ भगवान मुझे संभालेंगे, या ये भगवान यही हैं, उस जगह आप अवेकन हो चुके हैं। और जहाँ जहाँ आप ये कर चुके हैं अपने अंदर, वहाँ वहाँ आपका ट्विन फ्लेम भी उस चीज़ से जागरूक हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल, कहीं ना कहीं अगर आपका ट्विन फ्लेम ये नहीं मानता कि ट्विन फ्लेम जैसी जर्नी कोई होती है, तो वहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं अनसर्टन हो, तो इसीलिए आपका ट्विन फ्लेम वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अवेकन नहीं है, आप भी उस इस जर्नी को टेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। जिस दिन आप क्लियर, श्योर, सर्टन हो जाओगे और भगवान ने आपको कंफर्म कर दिया है, केवल साइंस से नहीं, साइंस से तो वो बहुत बारी कंफर्म करते हैं, फिर भी हम डाउट में रहते हैं, बट हमारे अंदर जब तक पूरा इस बारे में पीस नहीं है कि यही है, जैसे स्काई इज़ ब्लू, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई आके बोले कि ये पर्पल है तो आप उसको बोलेंगे नहीं, ये ब्लू है, मैंने देखा है। तो जैसे कोई बोलेगा कि चंद्रमा जैसी चीज़ नहीं होती, तो आप कहोगे नहीं, मैंने चांद देखा है। इसी तरीके से आप अपने अंदर इतनी श्योरिटी से आप कह सकते हो कि हाँ, मेरा ये ट्विन फ्लेम है और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और ट्विन फ्लेम जर्नी सच है, यही भगवान का मार्ग है। जब तक आपके अंदर ये पीसफुली नहीं आता, तब तक आपका ट्विन फ्लेम भी ये अपसेट को रिफ्लेक्ट करेगा।
बट ये अपसेट है, हील हो सकता है मिरर एक्सरसाइज से, सेल्फ लव से और सरेंडर से। तो चलते हैं कि बैक टू द टॉपिक कि क्यों ट्विन फ्लेम को चुनें। ट्विन फ्लेम आपका बेस्ट टीचर होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, बेस्ट मिरर होता है और ही इज़ योर पाथ टू असेंशन। हम चाहते हैं ना कि अल्टीमेटली हम भगवान में मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए किसी तरीके से, यही वो मार्ग है, यही वो रास्ता है। तो भगवान के रास्ते पे चलने से आपको कई चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है, जो इल्यूजन है आपको हटानी पड़ती है, मोह माया से आपको झगड़ना पड़ता है जो आपके अंदर है बाहर नहीं, और जो इल्यूजन है सच नहीं। तो और आपका रास्ता क्लियर होता रहता है सच की तरफ। सच की तरफ आपका रास्ता क्लियर होगा तो आपके दुनिया में, आपकी जीवन में केवल और केवल सुख आएगा, केवल और केवल सुख आएगा। और सुख किस बात में है दोस्तों? सुख इस बात में है कि मेरे अंदर भगवान हैं और भगवान ही मुझे संभाल रहे हैं, भगवान ही है बाहर भी अंदर भी, हर चीज़ भगवान भगवान भगवान। तो हमें सुख इस बात से मिलना शुरू हो जाता है जब हम इस बात से और जागरूक होते रहते हैं। ये चीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी से ही पता चलती है। तो छोटा सा अपसेट ले लें कि ट्विन फ्लेम आपसे नाराज़ है या गुस्से से बोलता है, आप अपने अंदर जाएं, मिरर एक्सरसाइज करें, अपने आप को प्यार करें, जहाँ पे आप अपने आप से गुस्सा हो रही हैं या हो रहे हैं, और वहाँ दुख की बजाय पीस लाएं, लव लाएं। तो आपने वहाँ भगवान को रख दिया, इंस्टेड ऑफ फियर यू हैव केप्ट गॉड देयर। सो ऐसे चलते 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 छोटे अपसेट से लेके बड़े 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 अपसेट आप क्लियर करते रहेंगे तो आपके अंदर पीस और भगवान और मतलब जागरूक होते रहेंगे, क्योंकि भगवान कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, वहीं के वहीं हैं, हम बस डिस्कवर कर रहे हैं। तो दिस इज़ वाई यू शुड बी ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी, इज बिकॉज ऑफ योर अवेकनिंग आपका, और यही आप चाहते हैं। आप जितना भी चाहें कि आप आंखें बंद कर लें और आपको बस यू नो सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ जीनी है, आपको नहीं चाहिए वो। आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको चाहिए कि आप लीड करें, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली से भरे, कभी भी ऐसा स्लंप मोमेंट या सैड मोमेंट ना आए, जो असेंशन से ही पॉसिबल है, जो भगवान के साथ चलने से ही पॉसिबल है, और ये है ट्विन फ्लेम जर्नी से। तो ट्विन फ्लेम और क्या 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 होता है उनसे, उनके आने से आपकी ज़िंदगी में, हाँ आपके रिलेशनशिप सुधर जाते हैं, छट जाते हैं, सही रिलेशंस आते हैं। जो भी आप अब नए रिलेशंस अट्रैक्ट करेंगे वो आपके परमानेंट रिलेशनशिप्स हैं। यस, एंड दिस रिलेशन विद योर ट्विन फ्लेम इज़ परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए है आपका, और आपका ट्विन फ्लेम का जो रिश्ता है हमेशा हमेशा के लिए है, एंड नॉट जस्ट दिस लाइफ टाइम, एवरी लाइफ टाइम। आप अपना इनर वर्क करके जब हारमोनियस यूनियन में आ जाएंगे, हारमोनियस यूनियन इज़ परमानेंट। आपने सेपरेशन आपके और ट्विन फ्लेम के बीच में हील कर दी, उसका क्या मतलब है कि आप अब समझ गए हैं, आपके अंदर ये बात बिल्कुल सच्ची हो गई है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम अलग नहीं, एक ही आत्मा है, दो जिस्म है। अभी आपको नहीं लग रहा ये क्योंकि आपको अपसेट्स नज़र आ रहे हैं, बट आप जब हारमोनियस यूनियन में आएंगे, ये एनर्जी, ये जो ये बात आपके चित्त में एकदम डाउटलेस बिल्कुल हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, जैसे इतनी क्लियर है कि जैसे या ग्रेविटी इज़ देयर, इतना एविडेंट चीज़ होगी, हाँ ऑफ कोर्स आई एम अ गर्ल, तो वैसे ही हाँ मैं और मेरे ट्विन फ्लेम एक हैं, तो इतनी मतलब बात सच्ची हो जाएगी आपके लिए। तो इससे क्या होगा, आपने सेपरेशन हील कर दी तो आपने अपनी ज़िंदगी में हेवन इनवाइट किया है, छोटी चीज़ नहीं है, भगवान को आपने अपनी ज़िंदगी में इनवाइट किया है, आपने भगवान को कमिट किया है कि मेरा अब जीवन जो है गॉड्स वे, गॉड्स वे इज़ लव्स वे।
अब सिर्फ प्रेम का मार्ग ही मेरा मार्ग है. आई नो इट साउंड्स वेरी बोरिंग या रिलीजियस, एकदम से डरावना सा, ऐसा है ना, है नहीं, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि भगवान बहुत भोले हैं, बहुत ही सिंपल है भगवान. और ये सच है हमारे जीवन का. हम अपने क्रिएटर के प्रति जब जागरूक हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि आपकी हर चीज़, हर डिसीजन, हर थॉट, हर फीलिंग, हर खाना, हर चीज़ जो आप कर रहे हैं, आपको भगवान से ही करने का, भगवान के साथ करने का मन करता है. जैसे वो आपके साथ घुले मिले हैं, वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ घुले मिले हैं. दैट इज़ हाउ योर रिलेशनशिप विद योर ट्विन फ्लेम इज़ रिफ्लेक्टेड, कि आपका जो रिश्ता भगवान के साथ है वो ही रिश्ता आपके ट्विन फ्लेम में रिफ्लेक्ट होता है. जितना आप भगवान के साथ इंटीमेट होंगे उतना ही आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ इंटीमेट होंगे. और ये सच्चाई आपको ट्विन फ्लेम के मिरेकल के साथ नज़र आती है, तो आपको और कन्फर्मेशन मिलते रहते हैं. तो और हाँ, कि ये पाथ टू असेंशन है परफेक्ट यूनियन के लिए. हार्मोनियस यूनियन में आप ये समझ जाते हैं कि आप और आपके ट्विन फ्लेम एक अलग नहीं है, एक हैं. और आप ये है आपका पाथ टू गॉड, ये है आपका रास्ता, मार्ग भगवान की तरफ. तो दैट इज़ हार्मोनियस यूनियन. परफेक्ट यूनियन का क्या मतलब है? आप, आपके ट्विन फ्लेम और भगवान एक हैं. आप में, आपके ट्विन फ्लेम में और भगवान में कोई भेद नहीं. इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको और भी अपसेट्स क्लियर करने पड़ेंगे, और वो अपसेट्स आते रहेंगे, और आपके ट्विन फ्लेम एक साथ क्लियर करेंगे. और आप इस जर्नी में इतने माहिर हो जाएंगे जब आप हार्मोनियस यूनियन में आएंगे कि आपको परफेक्ट यूनियन भी दूर नहीं लगेगा. और इस कर ये सब करने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ और प्यार और हेवन रिवील होता जाएगा. सो दैट्स वाई यू शुड बी ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी, वाई शुड बी ऑन एनी अदर जर्नी. और मैं कंपेयर तो नहीं करना चाहती हूँ, चलो कंपेयर कर देते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, कि ट्विन फ्लेम को छोड़ के अगर सोलमेट या कोई और कार में किसी के साथ आपने अगर रिश्ता रखना है, तो आपने बस अपनी ही असेंशन जर्नी का गला काट दिया. लाइक आपने अपनी ही ग्रोथ को गुड बाय बोल दी, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान का जो लाइक नेचर है वो है ग्रोथ, कंटिन्यूस एक्सपेंशन. जैसे नेचर है, जैसे ट्री है, हमेशा ग्रो होता है, हमेशा बड़ा होता जाता है या मर जाता है, फिर ट्रांसफॉर्म होता है. तो देर इज़ ऑलवेज चेंज, वो आप चाहते हैं. और चेंज के साथ साथ आपको ये आप चेंज के साथ नहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करते, आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को आत्मा के साथ, जो कभी चेंज नहीं होती. और वो रिश्ता सिर्फ आप, सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम के साथ है. इसीलिए आपका ट्विन फ्लेम कभी आपको छोड़ के नहीं जाता, हमेशा 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 आपके साथ है. सो लॉन्ग एज यू मेक द चॉइस कि मैं भगवान के साथ हूँ और मैं अपने साथ हूँ और मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ, जो हमेशा ही आप करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है. प्यार का ही रास्ता है. हम अपने आप को केवल झूठ बोलते रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं कि भाई देर इज ईवल और देर इज बैड स्पिरिट, और ये इट इज़ जस्ट इल्यूजन. इल्यूजन, हम लोग इतने पावरफुल बीइंग्स हैं कि इल्यूजन को भी हम सच में क्रिएट कर सकते हैं. हम एक्चुअली किसी में डर पैदा नहीं कर रहे होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी डर होता है जो हम उभार के बाहर आता है. तो कई बार लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं और उनको डर लगता है, वो इसीलिए क्योंकि वो उनके अंदर ऑलरेडी डर है कि कुछ ऐसा चीज़ हो सकती है जो आपको अटैक कर सकती है. तो ये भी मिरर एक्सरसाइज से क्लियर हो सकता है. अपने आप को जाएं वहाँ, अपने आप को प्यार दें जहाँ आपको डर लग रहा है. डर इज़ नथिंग बट अ कर्टन जो आपके अंदर किसी हर्ट को हाइड कर रहा है. तो ऐसे 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 आपकी ज़िंदगी से डर भी ख़त्म हो जाता है. कुछ भी चीज़ से आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है भगवान हर जगह है, मेरे साथ हैं, हमेशा हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे. सोते हो भगवान के साथ, उठते हो भगवान के साथ, बातें करते हो भगवान के साथ. तो इट इज़ हो ही नहीं सकता कि आपको कोई चीज़ अटैक कर जाए. अगर कोई अटैक एक्सपीरियंस भी कर रहा है, वो इसीलिए एक्सपीरियंस कर रहा है क्योंकि वो बिलीव करता है अटैक इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ रियल.
यही चीज़ गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से भी क्लियर की थी, अटैक इज़ नॉट रियल। तो यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं इस जर्नी में चलते 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 चलते, जो ट्विन फ्लेम जर्नी से ही पॉसिबल है। तो ओके दोस्तों, काफ़ी ज्ञान हो गया है इस वीडियो में, और मेरा ये सब शेयर करने का ये मतलब था कि ट्विन फ्लेम इज़ द पाथ टू असेंशन, एंड भगवान से मिलने का मार्ग ही ये ट्विन फ्लेम का मार्ग है, और ये अभी रिवील हो रहा है, और इसका ये रियल है, पॉसिबल है, और ये सबसे प्यारा मार्ग है, क्योंकि आपको अपना प्रिय आपके साथ मिलता है, आपके साथ खड़े होता है इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, और आपको पुश करने के लिए। अगर आज वो आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ स्पिरिट में नहीं है, आपको कुछ सिखा रहे हैं अगर वो आपके साथ नहीं है तो हमेशा आप साथ में ही काम करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, और लिखिए कमेंट्स में, मेरे साथ कनेक्ट होना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, सेंड मी एन ईमेल, कीप इन टच, लव योरसेल्फ, बाय बाय।